एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं, जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, में रामचरण और जूनियर एनटीआर बनेंगे जानी दुश्मन? क्या आरआरआरआर भी होगी सांस्कृतिक एपिक रामायण की स्टोरी? क्या रामचरण बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल लिविंग में? आरआरआर मूवी तो दो सुपरहीरोज के बीच की इमेजिनरी फ्रेंडशिप दर्शाती है और इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टंट सीक्वेंसेस दिखाई दिए थे और शायद सेम स्टंट सीक्वेंसेस हमें आरआरआरआर में भी दिखाई दे सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे और वैसे स्टंट कहीं पे भी यूज नहीं हो पाए हैं। उसमें से मोस्टली स्टंट्स नए हैं और आरआरआर में भी वो यूज होंगे, ऐसे चांसेस हैं। आरआरआर में स्टंट्स के लिए बहुत हाइप और अप्रिसिएशन मिली है। वैसे भी जहां एसएस राजामौली जैसे डायरेक्टर हो, वहां सब कुछ नया और हटके तो होना जरूरी ही है। आरआरआर मूवी में रामचरण और जूनियर एनटीआर सुपर हीरोज होते हैं और वो इंपीरियल पुलिस ऑफिसर होते हैं जो पहले एनिमीज होते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आरआरआर का प्लॉट एंशिएंट सांस्कृतिक एपिक रामायण से रिलेटेड होता है और ये मूवी थोड़ी रियल लाइफ पर बेस्ड भी होती है। वैसे ही हमें ये देखना होगा कि क्या आरआरआरआर में भी रामायण की स्टोरी ही होगी और क्या आरआरआरआर रियल लाइफ पर बेस्ड होगी या नहीं, क्योंकि राजामौली कब क्या सोचेंगे ये समझ पाना सिर्फ राजामौली के लिए ही पॉसिबल है। इस मूवी के हैंडसम हंक रामचरण के बारे में अगर हम आपको एक बात बताएं तो वो 41 दिन के लंबे व्रत का हिस्सा बनते हैं जिसे अयप्पा दीक्षा कहा जाता है, जो सबरीमाला केरला में साल में एक बार किया जाता है। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस 2008 से शुरू की। आपको बता दें कि रामचरण के लिए स्पिरिचुअल लिविंग डिट्रेस के लिए डिटॉक्स है। वो स्पिरिचुअल लिविंग में बहुत बिलीव करते हैं, वो इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास रखते हैं, वो हेल्दी एंड सिंपल फूड कंज्यूम करते हैं और इनर पीस मेंटेन करते हैं चाओटिक शूटिंग शेड्यूल्स में। उन्होंने बोला कि उनके फादर यानी कि मेगास्टार चिरंजीवी उन्हें इंस्पायर किया करते हैं दीक्षा फॉलो करने के लिए, मतलब फिल्म में कड़ी मेहनत करने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए स्टार्स किस तरह खुद पर काम करते हैं ये पता चलता है। वैसे ये सब रामचरण को आरआरआर में भी काम आएगा, सही कहा ना? पर फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी तो होनी चाहिए। पर कुछ भी हो, हम सबको तो अब इंतज़ार रहेगा आरआरआरआर का। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्या आप सबको भी लगता है कि आरआरआरआर होगी रामायणा से एपिक स्टोरी? क्या आप रामचरण और जूनियर एनटीआर को सुपर हीरोज के रोल में देखना चाहते हैं? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, अब हम आपसे लेते हैं अलविदा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।